आज बात करेंगे भाई रीहीटिंग ऑफ स्टीम की। रीहीटिंग ऑफ स्टीम क्या होती है, इसका हम यूज़ क्यों करते हैं। रीहीटिंग ऑफ स्टीम प्लांट की एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए होती है। इसके कुछ बेसिक कंपोनेंट हैं जैसे बॉयलर, टरबाइन, कंडेंसर, पंप। तो बेसिक कंपोनेंट हैं ये पावर प्लांट के। रीहीटर, इसके अंदर हम एक रीहीटर यूज़ करते हैं रीहीटिंग ऑफ स्टीम के लिए। इसके अंदर क्या होता है, बॉयलर हमारा स्टीम बनाता है और वो टरबाइन को दे देता है। टरबाइन से स्टीम होने के बाद, पास होने के बाद, अपना वर्क डन करने के बाद वो जाती है हमारी रीहीटर के पास। रीहीटर क्या करता है, जो टरबाइन से स्टीम वेट होके बाहर निकली है, एक्सपेंड होके निकली है, उसको दोबारा से रीहीट करता है और उसकी दोबारा से टेम्परेचर और प्रेशर को राइज करता है और दोबारा से उसको टरबाइन पे भेज देते हैं। अब हमें दोबारा से टरबाइन के ऊपर से वर्क मिलता है। फिर वर्क करने के बाद स्टीम अपना टरबाइन के ऊपर दूसरी बार रीहीट होने के बाद कंडेंसर के पास चली जाती है। कंडेंसर से वो हमारे पंप के पास जाती है और पंप के थ्रू वो बॉयलर के पास चली जाती है। तो ये हमारी रीहीटिंग साइकिल है, स्टीम को रीहीट करना। इसके अंदर बॉयलर से टरबाइन पे स्टीम जाएगी, टरबाइन के अंदर काम करने के बाद उसको हम दोबारा रीहीट करेंगे, रीहीट करने के बाद फिर हम उसको टरबाइन पे देंगे और फिर वो कंडेंसर पे जाएगी और ये साइकिल रिपीट होती रहेगी। इससे क्या होगा, हमारी एफिशिएंसी साइकिल की इंक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि जो वेट स्टीम है, अगर हम वेट स्टीम से क्या होता है, इरोजन का खतरा होता है। अगर टरबाइन के ऊपर हम दो बार स्टीम यूज़ करना चाहते हैं या उसके अंदर मल्टी स्टेज टरबाइन है, तो स्टीम को हम रीहीट करने के बाद दोबारा यूज़ कर सकते हैं। तो ये होती है रीहीटिंग ऑफ स्टीम। इसका हम TS डायग्राम कैसे बना सकते हैं। TS डायग्राम के अंदर, टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम के अंदर, ये हमारी बेसिक साइकिल है जो पीछे हमने पढ़ी है, बॉयलर, टरबाइन, रीहीटर, कंडेंसर। ये हमारी बेसिक डायग्राम है। इससे हम TS डायग्राम कैसे बनाएंगे। सबसे पहले बॉयलर से जब टरबाइन पे आएगी, तो टरबाइन से वर्क डन करने के बाद क्या होगा, एक्सपेंड हो जाएगी स्टीम और उसका प्रेशर डाउन होगा, मीन्स टेम्परेचर भी डाउन होगा। तो प्रेशर और टेम्परेचर की टर्म में क्या है, हम एक पॉइंट लेते हैं जहाँ पे P1 टेम्परेचर है या फिर T1 टेम्परेचर है। P1 प्रेशर है और T1 टेम्परेचर है। प्रेशर एकदम से क्या होगा, P2 की तरफ फॉल हो जाएगा। ये क्या है, हमारा टरबाइन वर्क, जो टरबाइन के ऊपर स्टीम गिरते ही, फॉल होते ही उसके ऊपर प्रेशर और टेम्परेचर दोनों ड्रॉप होंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये स्टीम एक्सपेंड होने के बाद कहाँ पे जाएगी, रीहीटर के पास। अब रीहीटर के पास क्या होगा, इसका टेम्परेचर राइज होगा। तो रीहीटर क्या करेगा, तो हमारी टेम्परेचर वाली लाइन जो आएगी, ये आ जाएगी हमारी रीहीटिंग वाली लाइन। रीहीटिंग स्टार्ट हो जाएगी और टेम्परेचर राइज होना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद रीहीटिंग होने के बाद ये स्टीम दोबारा से टरबाइन पे जाएगी, मीन्स दोबारा से उसका टेम्परेचर ड्रॉप होगा और प्रेशर ड्रॉप होगा। तो वो लाइन कहाँ पे आएगी, हमारी ये वाली, क्योंकि हमें दोबारा वर्क डन मिला है टरबाइन वर्क। तो ये भी टेम्परेचर और प्रेशर को ड्रॉप दिखाएगी। ये क्या है, हमारा दोबारा से हमें जो टरबाइन वर्क मिला है। उसके बाद स्टीम कहाँ जाएगी, कंडेंसर के पास चली जाएगी और ये साइकिल रिपीट होती रहेगी। तो ये थी हमारी रीहीटिंग ऑफ स्टीम और उसका टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम। थैंक यू।